सोनू निगम ने दिया रानू मंडल को अपने साथ गाने का ऑफर। जी हाँ, रानू मंडल को सोनू निगम ने अपने साथ दो गाने के रिकॉर्डिंग के लिए ऑफर किए हैं। जी हाँ, रानू मंडल आजकल सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई हैं, क्योंकि तेरी मेरी उनकी काफी हिट गई है और इसके बाद काफी फॉलोअर्स और काफी व्यूअर्स उनको मिल रहे हैं, जिससे कई ऑफर्स उनके पास आने लगे हैं। इन्हीं ऑफर्स में एक है सोनू निगम। सोनू निगम बहुत ही बड़े सिंगर और बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं। सोनू निगम ने खुद से रानू मंडल के साथ रिकॉर्डिंग करने की इच्छा जताई है और उन्होंने ऑफर दिया है कि रानू मंडल मेरे साथ कम से कम एक या दो गाने का रिकॉर्डिंग करें। जी हाँ, रानू मंडल एक समय गुमनाम की जिंदगी जी रही थी। बंगाल के एक स्टेशन पर वे गाना गा करके जैसे तैसे गुजर बसर करती थी। देखिए सोशल मीडिया की ताकत, जिसके बदौलत रानू मंडल रातों रात एक सेलिब्रिटी और एक स्टार बन गई है। जी हाँ, रानू मंडल के एक प्यार का नगमा है गाने से मिली पब्लिसिटी ने आज उनको एक बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी के जगह लाकर खड़ा कर दिया है। ये उनकी काबिलियत और ये उनकी मेहनत का तो नतीजा है, साथ में उनके फैंस और उनके फॉलोअर्स के बदौलत आज रानू मंडल सेलिब्रिटी बन गई हैं। हिमेश रेशमिया का बहुत बड़ा रोल है उनको यहाँ तक ले आने में। जी हाँ, हिमेश रेशमिया ने उनको एक गुमनाम की जिंदगी से बॉलीवुड के इंडस्ट्री तक पहुँचाया है और खास करके अपने साथ गाने गवा करके रानू मंडल को एक बहुत ही अच्छे लेवल के और एक अच्छी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा साथ निभाया है। देखिए रानू मंडल की खबर और साथ ही देश दुनिया की और भी बहुत सारी खबरें ऑल इंडिया न्यूज के साथ। मैं तो मांगू साजन रह अकेला है समझाने से।